आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रावण सोमवार का द्वितीय सप्ताह है, नर्मदेश्वर महादेव की यात्रा कांवड़ यात्रा 29 जुलाई को प्रतापपुर के हनुमान मंदिर से प्रतापपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर से प्रतापपुर घाट के लिए रवाना हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी की सहभागिता यहां देखते ही बन रही थी। श्रावण मास को बहुत पवित्र मास माना गया है और श्रावण मास देवादिदेव महादेव भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना गया है। इस श्रावण मास को, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से, उन्हें याद करने से, उनका पूजन अर्चन करने से वे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भैरोगंज प्रतापपुर रोड स्थित देवालय से प्रतापपुर घाट माँ बैनगंगा का उद्गम स्थल सिवनी जिले में ही है। सिवनी जिले से दक्षिण की ओर अगर आप नागपुर की ओर जाते हैं तो गोपालगंज से कुछ ही दूरी पर मुंडारा से पुण्य सलिला प्रवाहित होना आरंभ हुई हैं और वहां से ये जिले का लगभग काफ़ी ये कहा जाए कि 70-75 फीसदी हिस्से की परिक्रमा करते हुए ये बालाघाट के पास से फिर भंडारा की ओर माता बैनगंगा पुण्य सलिला माँ बैनगंगा रवाना हो जाती हैं। बिना चप्पलों के नंगे पैर देख सकते हैं आप, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पथरीले मार्ग पर गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। भैरोगंज के प्रतापपुर रोड स्थित देवालय से प्रतापपुर घाट तक की श्रावण के दूसरे सोमवार को ही यहाँ पर एक कांवड़ यात्रा आरंभ हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावण सोमवार द्वितीय सप्ताह नर्मदेश्वर महादेव की यह कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं। श्री हनुमान व्यायामशाला भैरोगंज से बैनगंगा घाट प्रतापपुर तक सोमवार 29 जुलाई को ये कांवड़ यात्रा प्रातः 10 बजे आरंभ हुई। नर्मदेश्वर महादेव की कांवड़ यात्रा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितने भक्ति भाव से यहाँ घाट पर महिलाएं आपको बैठी दिख रही होंगी और जो भी निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं आचार्यों के द्वारा, उन निर्देशों का उनके द्वारा पालन किया जा रहा है। कल कल बहती पुण्य सलिला माँ बैनगंगा यहाँ उनका प्रवाह देख सकते हैं। कितना तेज प्रवाह आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पुण्य सलिला बैनगंगा, जीवनदायिनी बैनगंगा सिवनी से प्रवाहित होती हैं। सिवनी का सौभाग्य है कि सिवनी के बहुत करीब से पुण्य सलिला होकर गुजरती हैं। कुछ साल पहले लखनवाड़ा तट और प्रतापपुर तट काफ़ी दूर प्रतीत होते थे, अब शहर के लगभग करीब आ चुके हैं और आने वाले एक दशक में अगर ये शहर के अंदर आ जाएँ तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शहर में जिस तरह से बसाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, देखिए पुण्य सलिला माँ बैनगंगा का पूजन अर्चन किया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। प्रतापपुर घाट ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रतापपुर घाट है पुण्य सलिला माँ बैनगंगा का। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ पर पुण्य सलिला का पूजन अर्चन करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। दीप भी यहाँ पर विसर्जित किया गया है, दीप को भी प्रवाहित किया गया, विसर्जित तो नहीं कहा जाएगा, प्रवाहित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से पानी, जल को, बैनगंगा के पुण्य सलिला के जल को यहाँ से लिया जा रहा है और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इसके साथ यहाँ आरती, पुण्य सलिला की आरती यहाँ पर होते हुए आपको दिख रही होगी। अब ये देखिए यहाँ पर कांवड़ भर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए
अशोक सोनी की रिपोर्ट, कांवड़ को भरा जा रहा है। अब इससे नर्मदेश्वर महादेव का अभिषेक इन श्रद्धालुओं के द्वारा लौटते समय किया जाएगा। सिवनी में एक विशेषता है, चूंकि ये देखिए कितनी छोटी बच्ची भी देवाधिदेव महादेव, जिन्हें ब्रह्मांड का राजा कहा जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पैदल चलकर यहाँ पहुँची छोटी बच्ची। और ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर आपको जय जयकार करते हुए दिख रहे होंगे। देवाधिदेव महादेव की जय जयकार, एक के बाद एक आकाश गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा है सिवनी जिले का, शिव की नगरी। ऐसे ही नहीं कहा गया है सिवनी को, शिव की नगरी में बहुत सारे देवालय इस तरह के हैं, जिन देवालयों में भगवान शिव, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव और ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव की कृपा बरस रही हो। गंगा माता तो पवित्र हैं, पर जिस तरह से सिवनी में बैन गंगा माता यहाँ से प्रवाहित हुई हैं, यहाँ से उद्गमित हुई हैं, वो सिवनी के लिए, सिवनी के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा, ये देखिए यहाँ पर कित तरह से झूमती हुई यहाँ पर दिख रही होंगी एक श्रद्धालु। लोग अपने अपने हिसाब से, भक्ति भाव से, अपने अपने तरह से यहाँ पर इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। आयोजकों के द्वारा भक्ति भाव के साथ पूरा, ये देखिए यहाँ से आपको यात्रा वापस लौटती दिख रही होगी, जिसमें कांवड़ भरकर माता बैनगंगा पुण्यण सलिला बैनगंगा का जल लेकर ये सभी लौट रहे हैं। और नर्मदेश्वर महादेव के इसके उपरांत उनके द्वारा अभिषेक किया जाएगा। कितना सुंदर धर्ममय वातावरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट, भैरवगंज में नर्मदेश्वर महादेव हनुमान व्यायामशाला के से ये यात्रा निकली कांवड़ यात्रा, और परतापुर घाट पर जाकर वहाँ से ये कांवड़ यात्रा अब वापस लौटती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है, वापस लौट रही है। गाजर घास से अटा पड़ा सड़क का दोनों सिरे आपको गाजर घास से अटे पड़े दिख रहे होंगे। जिलाधिकारी अगर देखें, जिलाधिकारी संस्कृति जैन, वैसे तो जो अभी फिलहाल में जो भी चीज़ें समझ में आ रही, नगर पालिका परिषद को कुछ कुछ समझना उनके द्वारा शायद आरम्भ किया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये कांवड़ यात्रा वापस नर्मदेश्वर महादेव की ओर कूच करती हुई, गमन करती हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो, तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव के संबंध में बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।